आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस भी उम्मीदवारों को खोज रही थी। सबसे ज्यादा भरमार इलाहाबाद वाली बेल्ट से थी, क्योंकि बड़े कांग्रेसी नेता वहां से ही आते थे। लेकिन यहां से लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम तय था, जो जवाहरलाल नेहरू का था। एक युवा लड़का भी यहां से पर्चा भरना चाहता था। उसका नाम फिरोज था, कट्टर कांग्रेसी, मस्त मौला और बढ़िया भाषण देने वाला लड़का। लेकिन नेहरू की वजह से वो यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता था, और फिर किस्मत ने उन्हें रायबरेली पहुंचा दिया, और यहां से ही गांधी नेहरू परिवार और रायबरेली का संबंध शुरू होता है। लोकसभा चुनाव के माहौल में आपके लिए चुनावी किस्से में आज रायबरेली और गांधी परिवार के रिश्ते की कहानी, कैसे यूपी की ये सीट गांधी परिवार का गढ़ बन गई और एक के बाद एक नेता यहां से चुनाव लड़ने लगे। इलाहाबादिया फिरोज को रायबरेली लाने वाले कांग्रेस के बड़े नेता रफी अहमद किदवई थे, जिनकी आजादी से पहले हुए प्रांतीय चुनाव में फिरोज ने मदद की थी। मदद इतनी थी कि फिरोज ने रफी अहमद को एक सीट से चुनाव ना लड़ने की सलाह दी थी, जबकि बाकी समर्थक उनके साथ थे। रफी अहमद ने चुनाव लड़ा और हार गए। फिरोज की सलाह उनके दिमाग में बैठ गई। 1952 में फिरोज को कांग्रेस ने रायबरेली से टिकट दे दिया। फिरोज गांधी ने बड़े अंतर से ये चुनाव जीत भी लिया, लेकिन प्रचार के दौरान एक मजेदार किस्सा भी हुआ। फिरोज लगातार अपनी सीट पर घूम रहे थे। इंदिरा गांधी भी उनके लिए अलग अलग गांव में जा रही थी और प्रचार कर रही थी। इस बीच जवाहरलाल नेहरू भी प्रचार के लिए आए। उन्होंने देखा कि बेटी इंदिरा की तबीयत थोड़ी ढीली है, क्योंकि प्रचार चल रहा था। यही देखकर नेहरू को गुस्सा आया। उन्होंने झिझकते हुए फिरोज से पूछा कि तुम एक दिन में आखिर कितनी रैली कर रहे हो। जवाब इंदिरा ने दिया कि मैं ठीक हूँ पापा। शुरू के दो चुनाव फिरोज गांधी यहाँ से जीत गए। उनकी अपनी एक छवि भी बनी। बाद में 1960 में फिरोज गांधी का निधन हुआ तो कुछ वक्त के लिए गांधी परिवार इस सीट से दूर चला गया। लेकिन जब 1971 में इंदिरा गांधी ने चुनावी मैदान में लड़ने की ठानी तो वो अपने पति की सीट रायबरेली से ही लड़ी। कमाल तो ये है कि इंदिरा का पहला लोकसभा चुनाव ही देश में इमरजेंसी का कारण बना, क्योंकि 1971 के इसी चुनाव के खिलाफ राजनारायण अदालत में गए थे और बाद में इंदिरा की सांसदी को गलत बताया गया था। इंदिरा गांधी के बाद गांधी परिवार के ही एक अन्य सदस्य यानी अरुण नेहरू भी इस सीट से कुछ वक्त के लिए सांसद बने थे, लेकिन रायबरेली एक बार फिर नजरों में तब आया जब सोनिया गांधी ने अपनी सास की सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अमेठी से सियासी डेब्यू के बाद सोनिया ने 2004 में अपनी पुरानी सीट को राहुल गांधी के लिए छोड़ दिया था और खुद रायबरेली से लड़ने का फैसला किया था। यह रिश्ता पूरे 20 साल के लिए रहा। रायबरेली गांधी परिवार के लिए लकी भी रहा, क्योंकि 2004 में ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी। इससे पहले करीब 15 साल तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही थी। सोनिया गांधी के 6 साल के संघर्ष के बाद ही पार्टी को ये सत्ता मिली थी। रायबरेली में सोनिया गांधी का पर्चा भर जाना ही जीत की अपने आप में एक गारंटी हो जाता था, फिर चाहे उन्हें रैली करनी पड़े या नहीं। ये मान लिया जाता था कि जीत सोनिया गांधी की ही होगी, और ऐसा होता भी था। 2019 के चुनाव में जब मोदी लहर कथित रूप से अपने चरम पर थी, तब भी हर किसी को यह अंदेशा था कि अमेठी में तो राहुल गांधी हार सकते हैं, लेकिन सोनिया की सीट बच जाएगी। गांधी परिवार और रायबरेली सीट का रिश्ता 2024 में उस वक्त खत्म हुआ जब सोनिया गांधी ने यह तय कर लिया कि अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी और राज्यसभा से सांसद बनेंगी। यह मजबूरी थी, क्योंकि उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन रायबरेली का लोकसभा इतिहास हमेशा ही ये बताएगा कि कैसे ये सीट गांधी परिवार का बड़ा गढ़ रही थी। चुनाव से जुड़े इस किस्से में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही नए किस्सों के लिए। शुक्रिया।